अगर मान लीजिए आदिवासी और मूलवासी के आधार पर झारखंड का निर्माण हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर हम जाति समीकरण पे जाते हैं तो क्या लगता है कि जो मांझी हैं या महतो हैं उनके बच्चे छात्र नहीं हैं, उनके बच्चे सड़क पे नहीं हैं, उनके बच्चे रोजगार की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो चुनाव है, ये जो जनसैलाब है जो आज देखने को मिला है, ये जातीय समीकरण से थोड़ा स्टैंड भी युवा लोग देखते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं और जिस प्रकार से मेहनत करते हैं उसका कोई फल नहीं मिल पाता है। कारण बस यही बाहरी लोग के कारण। झारखंड सरकार बनी है अभी वर्तमान में जो है वो अपने समझ से वो निर्णय नहीं लेती है। हर निर्णय उनका बाहरी होता है। बाहरी संसद रहेंगे, बाहरी MLA रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि निर्णय बाहर का ही हो। बड़कागांव विधानसभा से क्षेत्र से आप लोग गए थे, सब कार्यक्रम हो गया, सब कुछ 42-43 डिग्री टेम्परेचर में भीषण गर्मी में पसीने चू रहे हैं, कहाँ कहाँ घुस रहे हैं कोई पता नहीं, लेकिन क्या कहेंगे ये जनसैलाब को अगर जब वोट में तब्दील करना पड़ेगा। कल से राजनीति पार्टी नहीं, कल से वो छात्र जो आंदोलन करते थे वो छात्र नेता नहीं कहे जाएंगे, कल से उनके ऊपर टैग लग जाएगा जयराम महतो नेता, तो क्या कहेंगे इसके बाद? देखिए, कहीं ना कहीं आदमी कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी, तभी छात्र नेता से एक राजनीतिक नेता के ओर बढ़ रहा है। तो और आज का जन सैलाब जो है, हमको लगता है झारखंड में जितने मीडिया हैं लगभग सब मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म जयराम जयराम जयराम, इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। तो समझना पड़ेगा झारखंड के जनता को कि ये जो आज का प्रोग्राम रहा है, अगर बदलाव की ओर बढ़ रहा है तभी ये प्रोग्राम सफल रहा है, अन्यथा इतना धूप में जो आदमी AC से बाहर नहीं निकलता था, आप देख रहे होंगे मीडिया कवरेज में कि लोग पसीना तो कहिए नहीं, हम लोग नहाए पूरा पसीना से दिन भर, और ये बदलाव का एक संकेत है। लेकिन वो जयराम जयराम से सिर्फ नहीं होगा ना, काम नहीं चलेगा ना, उसको EVM पे तो दबाना पड़ेगा ना, जब वो टाइम आएगा कनेक्ट होना पड़ेगा, तो कैसे होगा वो? देखिए, अभी जो विचारधारा का लड़ाई है तो यही विचारधारा कल भी रहेगा EVM में भी, तो कहीं ना कहीं EVM में जो है ये विचारधाराएँ कैद होंगी। आज झारखंड का बाहरी भीतरी स्थानीयता है, नियोजन नीति है, विस्थापन नीति है, बहुत सारे जो सारे मुद्दे हैं जो एक मतलब ज्वलंत मुद्दा है। 23 साल का झारखंड में कोई भी पार्टी सत्ता में आया, हम किसी व्यक्तिगत पार्टी को नहीं बोलेंगे, सब पार्टी आया सत्ता में लेकिन स्थानीयता को परिभाषित कोई नहीं किया। झारखंड में राजनीति चलती है जाति के समीकरण से, ठीक है, रात को रातों रात वो समीकरण चेंज हो जाता है, आप कितना भी जोर लगा लो लेकिन रात को वो समीकरण चेंज हो जाता है जाति के नाम पे, तो उसको कैसे टैकल करें? कि झारखंड जो निर्माण है वो आदिवासी और मूलवासी दो जाति, आदिवासी को मांझी से संबोधन किया जाता है और बाकी एक जो मूलवासी है उसको महतो से संबोधन किया जाता है। अगर कोई यादव है झारखंड में, अगर उसका खतियान देखा जाए तो उसके वंशज का नाम महतो है, कुशवाहा महतो है तो उसका भी महतो है, अगर कोई साव जाति है उनका भी महतो है, तो ये कहीं ना कहीं मूलवासी और आदिवासी का है। तो जाति समीकरण, अगर मान लीजिए आदिवासी और मूलवासी के आधार पर झारखंड का निर्माण हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर हम जाति समीकरण पे जाते हैं तो क्या लगता है कि जो मांझी हैं या महतो हैं उनके बच्चे छात्र नहीं हैं, उनके बच्चे सड़क पे नहीं हैं, उनके बच्चे रोजगार की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो चुनाव है, ये जो जनसैलाब है जो आज देखने को मिला है, ये जातीय समीकरण से थोड़ा स्टैंडर्ड है। अगर कोई बोलता है कि कुर्मीवाद है, तो हम तो कुर्मी नहीं हैं, हम कुर्मी नहीं हैं, और हमारे बड़कागांव से जितने भी गए हैं हमको लगता है इक्का दुक्का कुर्मी होंगे, बाकी सभी कुर्मी से बाहर हैं। इसमें जितने लोग हैं और जो जनसैलाब था वो कोई जाति समीकरण नहीं था, इसलिए ये झारखंड का आम मुद्दा है, यहाँ जाति समीकरण का कोई मतलब नहीं है, और अगर रहता भी है तो वो देखने को नहीं मिल रहा है। जन सैलाब तो उबला, सब लोग आए 43-43 डिग्री गर्मी में आए, लेकिन बात ऐसा था, मिसमैनेजमेंट था हमारे तरफ से, अगर आप पूछेंगे तो वो मिसमैनेजमेंट था। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे, आने वाले समय में भी इनको सुधार लाने की ज़रूरत है। तो अभी जो आज जो पहला अधिवेशन था उसी में आपने अगर मिसमैनेजमेंट कर दिया तो फिर लोग भाषण कम सुन रहे थे, DJ ज़्यादा बज रहा था और लोग बाहर ज़्यादा घूम रहे। देखिए, आज का जो मैनेजमेंट अगर थोड़ा बहुत अलग देखने को मिला, उसका कारण था काफ़ी भीड़। जहाँ तक हमारे टीम के सदस्यों को
ये पता नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ आ सकती है सुबह, तो कहीं ना कहीं मिस हुई है, लेकिन वो सब का सब हम तमाम जनमानस जो वहाँ पहुँचे, जो उम्मीद से ज़्यादा जो भीड़ गई, जिसका ये परिणाम था। चलिए, आप क्या कहेंगे, सैलाब तो उबड़ा, सैलाब जैसा आप चाहते थे वैसा सैलाब आया, लेकिन आने वाले समय में इसको वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? हाँ, ऐसे हो पाएगा अगर हम लोग चाहेंगे कि नवयुवक को, अपने साथी को अगर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ही लोग का फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं कि अगर हम लोग कुछ कार्य करते हैं अपने मित्रगण में, तो एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी कार्य करते तो अच्छा ही होता है, और हमारे मित्र उठे हैं और कहीं ना कहीं झारखंड के बारे में वो पूरा पढ़े हैं, और उनके पूर्वजों भी आंदोलनकारी रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ये देखे हैं कि झारखंड में जो भी कुछ हो रहा था और हो रहा है, वो कहीं ना कहीं झारखंड को तबलीत करके दबाते जा रही है, उसको उठाने का एक जरिया बने, एक नेतृत्वकर्ता बने, ताकि झारखंड के नव निर्माण और आज के वर्तमान जो स्थितियां हैं उसको सुधार कर और नव निर्माण झारखंड बनाएं। और जितने भी युवा लोग देखते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं और जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, उसका कोई फल नहीं मिल पाता, कारण बस यही बाहरी लोग के कारण। झारखंड सरकार बनी है अभी वर्तमान में जो है, वो अपने समझ से वो निर्णय नहीं लेती है, हर निर्णय उनका बाहरी होता है, बाहरी संसद रहेंगे, बाहरी MLA रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि निर्णय बाहर का ही होगा। अगर हमारे झारखंड का रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि निर्णय झारखंड के हित में होगा, अगर झारखंड के हित में होगा तो झारखंडवासी का ही फायदा होगा। तो हम 2024 में यही चाहते हैं कि MLA भी झारखंड का हो, सांसद भी झारखंड का हो, मुख्यमंत्री भी झारखंड का हो, ताकि झारखंड का होने से झारखंड वासियों को फायदा होगा, यहाँ के स्टूडेंटों का फायदा होगा, नीति नियम सारे चीज़ जो है एकत्रित एक ऐसा रहेगा नीति, जो झारखंड के स्टूडेंट और झारखंडवासी जो इसलिए लड़ रहे हैं आज, नीति 60-40 वाकई में ये बहुत गंदा नीति। कत्यानी जोहार, जय झारखंड। कत्यानी जोहार, जय झारखंड। जय झारखंड, जय झारखंड। ये आप देख रहे थे, ये वही लोग हैं जो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से गए थे, ये अपने पॉकेट से पैसे लगा के गए थे, ना किसी के पैसे, ना कोई राजनीति पार्टी, ना जयराम महतो ने इनको सपोर्ट किया था, जयराम महतो ने सिर्फ एक आह्वान किया था कि ये सभा हो रही है यहाँ पे, हम राजनीति पार्टी का नामकरण करेंगे, और जो भी हुआ वहाँ पे ही हुआ। तो यहाँ से लोग गए थे, देखे, अपने विचार को रखे। अगर आप इस चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे चैनल को अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो भी हमारे Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें। और एक बात मैं आप लोगों को कह दूं कि ये पंचायत न्यूज़ जो है वो भाषा खतियानी संघर्ष समिति और ख़ास करके विद्यार्थियों को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए पंचायत न्यूज़ के प्रोपराइटर अमित जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, खतियानी जोहार करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम लोगों को, हम विद्यार्थियों को, हम मूलवासियों को सपोर्ट करते रहेंगे, ताकि हम लोगों की जो हक अधिकार की जो बात है वो और गूंजता रहे, और एक नया झारखंड, एक नया झारखंड निर्माण की ओर जो हम लोग बढ़ रहे हैं वो अंतिम पायदान तक हम लोग जा सकें। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पंचायत न्यूज़। नमस्कार।